हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? और पढ़ाई लिखाई क्या अच्छी चल रही है आप सबों की? सीयूईटी की तैयारी क्या जोर शोर से लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं, या फिर आप टाइम पास ही कर रहे हैं? एग्जाम का समय जो है ना, वो काफी नजदीक आता जा रहा, तो जैसे जैसे एग्जाम का समय नजदीक आ रहा, वैसे वैसे आपकी तैयारी भी उसी स्पीड से बढ़नी चाहिए ना। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक, वैसे वैसे आपकी तैयारी तेज। क्या तो आप पीछे थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज कौन सा चैप्टर होने वाला है। खैर, हम आपको कल के क्लास में भी बता चुके थे कि हम अगला क्लास जो करेंगे वो कंपाउंड इंटरेस्ट का करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों मिलते जुलते टॉपिक हैं, लेकिन मिलते जुलते कहने के बावजूद भी बहुत सारा अंतर है इन दोनों चैप्टर्स में, इन दोनों टॉपिक्स में। ठीक है, तो लगे लगे साथ साथ दोनों कर लिया जाए वही सही है। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑलरेडी हो चुका है आपको ना, हम PYQ भी दिखा चुके हैं, प्रैक्टिस भी करा चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने तरफ से भी उसको कंप्लीट कर लिए होंगे, घर पे सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर लिए होंगे और उनको ढंग से समझ चुके होंगे और सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है ना। और आप ये भी देख चुके हैं कि आपको जिस एग्जाम में जिस लेवल तक पूछा जाना है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसके ऊपर लेवल के भी सवाल हम आपको करा देते हैं। तो जो सवाल आपको कराया जाता है वो आपके एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं वो सफिशियंट है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में जनरली होता क्या है कि आपके एग्जाम के अंदर ना किसी एक ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत रेयर है कि दोनों टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या तो सिंपल से या तो कंपाउंड से। ज्यादा चांस ये होता है ना कि सिंपल इंटरेस्ट से ही पूछा जाता है, जो अभी CUET या फिर कह लीजिए CUCET पिछले 3 4 5 साल से जो जितने समय से हो रहा है, अगर उतने समय की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही रेयरली पूछे गए हैं और सिंपल इंटरेस्ट कई बार कई सारे शिफ्ट में रिपीट हुए हैं। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसको कम पूछा जाता है तो कम पढ़िए, उसको ज्यादा पूछा जाता है तो ज्यादा पढ़िए। भैया, किस्मत के ऊपर है, आप पहले से ही डिसाइड कर लेंगे कि कम पूछा जाता है तो कम ही पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर सपोज कर लीजिए आ गया तो फिर आप क्या करेंगे? तो पढ़ना तो आपको सब कुछ पड़ेगा। जैसे सपोज कर लीजिए कि एग्जाम में ना, जैसे परसेंटेज चैप्टर ही उठाए तो एक क्वेश्चन आ रहा है और उस एक क्वेश्चन को करने के लिए ना आपको 50 तरह के सवाल लगाने होते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि भैया कि 49 तरह के सवाल बेकार हो गए, समझ रहे हैं ना। तो पढ़ना आपको सब पड़ेगा, पता नहीं कहाँ से क्या पूछ दिया जाए। तो चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करते हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पे बेसिक बताने जैसा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट पहले होता क्या है और उसके कैलकुलेशन का हम आपको तरीका बता दें, और फिर डायरेक्ट आएंगे हम क्वेश्चन की ओर। जैसे जितना ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज्यादा चीजों को आप ढंग से समझेंगे। ऐसे भले ही लाख आपको इधर उधर की कॉन्सेप्ट दे दिया जाए, लेकिन आप सीख नहीं पाएंगे जब तक कि आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे ना। तो पहले हम थोड़ा सा आपको एक इंट्रोडक्शन दे दें, कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, कैसे वहां पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं, और कई सारे मेथड हैं कैलकुलेट करने के। आपको ना अलग अलग हम मेथड कुछ दिखाते हैं, फिर हम आएंगे डायरेक्ट सवाल के ऊपर। ठीक है भैया, तो आज कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला पार्ट। ठीक है, इसको भी उम्मीद कोशिश करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट में जितने क्वेश्चन लगाए थे, जिस तरह के लगाए थे, उसी तरह के क्वेश्चन यहाँ भी हम लोग रिपीट करेंगे। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन सेम होगा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों जगह क्वेश्चन एकदम सेम होगा, बस एक वर्ड के कारण पूरा मतलब प्रोसेस या फिर कह लीजिए क्वेश्चन सब अलग हो जाता है। वहां पे सिंपल लगा होगा, यहाँ पे कंपाउंड लगा होगा, बाकी क्वेश्चन का लैंग्वेज एग्जैक्ट सेम होगा, और यही एक वर्ड के कारण पूरा पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इन चीजों के ऊपर। तो जरा देख लिया जाए थोड़ा सा। चलिए, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब क्या, जैसे जैसे वहां पे जो एग्जाम्पल सब लिए थे वही एग्जाम्पल हम यहां भी लेंगे। मान लीजिए कि हम 10,000 रुपये किसी से उधार लिए या फिर किसी को दिए, आपको जो मर्जी वो मानिए। रेट सपोज कर लीजिए कि हम दे रहे हैं 10%, टाइम दे दिए भैया 3 साल, और हम आपको कहें या तो इंटरेस्ट बता दीजिए या तो अमाउंट बता दीजिए, आपकी जो मर्जी वो बता दीजिए ना। ठीक है, 10,000 रुपये, रेट 10%, टाइम 3 साल। ठीक है, तो जैसे इस चैप्टर में हम बात करें ना, तो यहां पे जो भी सवाल होगा वो आप ना कंपाउंड इंटरेस्ट मान के ही लगाइएगा हर क्वेश्चन में। सपोज कर लीजिए कि अगर हम नहीं बोले
कि आपको ना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी दिया हुआ है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का दिया है कि सिंपल इंटरेस्ट का दिया हुआ, अगर ये क्लियरली कहीं पे मेंशन ना हो तो आप मान लीजिएगा कि अभी हम कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर कर रहे हैं तो बातें कंपाउंड इंटरेस्ट की ही हो रही है, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे मानना ही नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए हम क्या कह रहे हैं कि अगर ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन होता तो आप तुरंत आसानी से कह देते कि जी 10,000 रुपए पे 10% 1,000, 3 साल में 3,000, इंटरेस्ट हो जाएगा 3,000 और अमाउंट हो जाएगा 13,000। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है ना। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जी रेट 10% दिया है, टाइम 3 साल दिया है, तो आप इफेक्टिव रेट 30% कह सकते हैं और 10,000 का 30% निकालेंगे, डायरेक्ट 3,000 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में आप ऐसा नहीं कर सकते। होता क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट में, जैसे 10,000 रुपए जो आप लिए हैं, ठीक है ना, तो इस 10,000 रुपए पे क्या होगा, 10% का इंटरेस्ट चढ़ेगा, और ये 10% का इंटरेस्ट चढ़ के कितना हो जाएगा, आप कहेंगे जी कि 1,000 रुपए, तो सॉरी 11,000 रुपए। ये 11,000 रुपए क्या होगा, तो आप कहेंगे कि ये पहले साल का अमाउंट होगा, ये पहले साल का अमाउंट होगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर दूसरे साल के लिए ना यही आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। चीजों को आप समझ लीजिए, मतलब आप कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट होता है वही नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। अब जो 10% कैलकुलेट होगा वो इस 10,000 पे नहीं होगा, अब 10% जो कैलकुलेट करेंगे वो 11,000 पे करेंगे। अच्छा, यहां पे जब 10% कैलकुलेट करेंगे, कोई भी बच्चा कह सकता जी कि 10% का मतलब क्या जी, 1,100 रुपए, और 1,100 रुपए का मतलब क्या हो जाएगा, 12,100 रुपए। क्या इतनी सी बात समझ में आई? अब यहां पे आपको क्या समझ में आया कि दूसरे साल के समाप्त होने के बाद ये आपका अमाउंट था, लेकिन तीसरे साल के लिए यही आपका क्या बन जाएगा, यही आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। मतलब पिछले साल का अमाउंट अगले साल के लिए प्रिंसिपल, सिंपल सा लॉजिक है। अब जो 10% कैलकुलेट करेंगे वो अब इस पे भी नहीं करेंगे, अब 10% इस पे कैलकुलेट होगा। आपको पता है कि 10% का मतलब कितना हो जाना है जी, 1,210 रुपए। अच्छा, 1,210 रुपए अगर आप 10% यहां बढ़ा के देंगे तो क्या 13,310 रुपए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 3 साल के बाद जो एक्चुअल में आपका अमाउंट बनेगा वो 13,310 रुपए बनेगा। जहां सिंपल इंटरेस्ट में 13,000 बन रहा था, यहां पे 13,310 बन रहा है। क्या इतनी सी बात सबके समझ में आ गई? आ गई तो बता दें जल्दी से। सुनिए यहां पे एक और चीज सुन लीजिए, हम क्या कह रहे हैं कि क्या कोई वैसा मेथड नहीं है क्या, ऐसे बारी बारी से कैलकुलेट करके हम जाएंगे वहां पे? समय भैया एग्जाम में बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। अच्छा, आपको एक बात और बता दें, एग्जाम में जो सवाल होते हैं आप लोग के एग्जाम के अंदर, हम ये नहीं कह रहे कि बहुत हायर लेवल के एग्जाम, आप लोग के एग्जाम के अंदर ना जो सवाल होगा वो मैक्सिमम, हम गारंटी दे रहे हैं इस बात की, मैक्सिमम 3 साल का सवाल होगा। 3 साल से ज्यादा का सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट में आपसे नहीं पूछा जाएगा, घबराइए मत। 2 साल हो सकता, 2.5 साल हो सकता, 3 साल हो सकता, लेकिन 3 साल से 3 साल 1 महीने नहीं होगा, ये श्योर रहिए आप। 3 साल से ज्यादा का सवाल आपके एग्जाम में नहीं आएगा, टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है ना। तो इतनी सी बात समझ में आ गई कि हमारा प्रिंसिपल जो है वो हर साल चेंज होता जा रहा है। सिंपल इंटरेस्ट में शुरुआत में जो इन्वेस्ट कर दिए वही आपका प्रिंसिपल है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा कि जैसे जैसे ब्याज मतलब इंटरेस्ट जुड़ता जाएगा और वैसे वैसे वही आपका प्रिंसिपल बनता जाएगा। मतलब आपका मिश्रधन ही आपका मूलधन बनता जाएगा, आपका अमाउंट ही प्रिंसिपल बनता जाएगा। तो हर साल प्रिंसिपल चेंज होता है और प्रिंसिपल चेंज होने के कारण हर साल आपका इंटरेस्ट भी चेंज होता है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, प्रिंसिपल हर साल सेम रहेगा, इंटरेस्ट भी हर साल सेम रहेगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रिंसिपल हर साल चेंज होता है, जिसके कारण आपका इंटरेस्ट भी हर साल चेंज होता जाता है। अब इंटरेस्ट हर साल बराबर रहे तो फिर कैलकुलेट करना आसान हो, लेकिन इंटरेस्ट क्या होगा, हर साल चेंज होगा, तो यहां पे कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप घबराइए मत, हर मुश्किल का सॉल्यूशन यहां पे है। हम कह रहे हैं कि यहां से यहां तक अगर पहुंचना था तो इसके लिए कई सारे रास्ते हैं आपके पास, हम आपको कुछ रास्ते दिखाते हैं, सुनिएगा ध्यान से। एक रास्ता तो आपके पास क्या है, अच्छा प्रिंसिपल भूलिएगा मत, 10,000 दिए थे और रेट 10% और टाइम आपके पास रखा गया था जी 3 साल, ठीक है, टाइम 3 साल। ध्यान से सुन लीजिए हमारी बात को जरा एक बार। एक तो आपका पहले यह हो सकता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो होता है वो प्रिंसिपल इंटू 1+R/100
टू द पावर टी, ये जो एक्चुअल में फॉर्मूला, सिर्फ इतने की बात करें तो ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है, लेकिन इसमें से अगर पी माइनस कर दें तो ये जो पूरा फॉर्मूला बना ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बना, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला आप समझ रहे हैं कि फॉर्मूला से ना हर सवाल लगाए नहीं जा सकते, थोड़ी बहुत ना दिक्कत आ जाएगी फॉर्मूला के चक्कर में आप रहेंगे तो, बहुत जगह दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या आएगी, कभी कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रैक्शन में हो तो ऐसा नहीं है कि सोल्व नहीं होगा, कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगा। अच्छा टाइम कभी 2.5 साल दे दें तो आप बताइए, पावर में 2.5 डालेंगे तो फिर वहां भी सोल्व करना दिक्कत हो जाएगा। तो फॉर्मूला तो सॉल्यूशन है ही नहीं इस चैप्टर का, आपको ना फॉर्मूला से कुछ आगे बढ़ के सोचना होगा। तो कैसे करना है वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए इस चैप्टर में आपको ना रेट से कहीं ना कहीं खेलना है, अगर रेट से खेलना सीख जाएंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकालना सीख जाएंगे। रेट से खेलने का मतलब, एक प्रोसेस आप देख लीजिए, पहले हम आपको ना दो प्रोसेस दिखाते हैं, दोनों में आपको जो ठीक लगे वो करिएगा, ठीक है। आपको एक चीज याद करना है, एक चीज क्या याद करना है, देखिए अगर हम कहें फॉर टू ईयर्स बस अभी देखते चलिए, हम आपको रीजन भी देंगे सब कुछ देंगे, बस देखते चलिए और लिखते चलिए साथ में। फॉर 3 ईयर्स, ठीक है, 4 ईयर्स का आएगा नहीं इसलिए हम बता नहीं रहे, ठीक है ना। फॉर 2 ईयर्स 2 1, 3 ईयर्स 3 3 एंड 1, अच्छा लिख ही देते हैं 4 ईयर्स, आप लिखना चाहते हो तो बस लिख लीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा इसका जरूरी पड़ना नहीं है। 4 6 4 1, ठीक है। अब ये है क्या हम आपको बताते हैं, ये कहीं किसी पेज में आप साइड में कोने में नोट करके रखिए, हम बताते हैं क्या, ठीक है ना। रेट 10% दिया है तो आप क्या करिए, इस प्रिंसिपल का 10% निकालते चलिए जी। 10% हम निकालेंगे तो आपको पता चलेगा जी कि 1000 आ जाएगा, आएगा क्या 1000, वापस से इस 1000 का हम निकालेंगे क्या 10%। अगर इस 1000 का 10% निकालेंगे तो आप कहेंगे जी कि 100 आएगा। अच्छा वापस से हमको करना क्या है, इस 100 का भी 10% निकालना है, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा 10। 3 साल का सवाल हो आप 3 बार निकालिए, 2 साल का सवाल हो 2 बार निकालिए, ठीक है ना। अब करना क्या है आगे, जैसे 2 साल का सवाल होता तो 2 ही बार निकालते इंटू 2 इंटू 1 कर देते हैं। 3 साल का सवाल है इसका मतलब हमने बताया आपको 3 3 और 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा 3000, ये बन जाएगा 300 एंड ये बन जाएगा 10। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, आप देखिए 3 3 1 0, तो एक्चुअल में यही आपका क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। इतनी सी बात सबके समझ में आ गई। अच्छा अमाउंट निकालने बोलेंगे तो सिंपल, आपको भी पता है जी कि प्रिंसिपल को बस जोड़ देना है और जोड़ के बराबर में 13310 लिख देंगे, ये आपका अमाउंट हो जाएगा। क्लियर हो पाया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाया। अब कुछ लोग कहेंगे कि जी ये 2 1 3 3 1 कहां से आया। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, अगर 2 साल का सवाल होता तो आपको पता है 1000 में 2 से गुणा करते 2000 आ जाता और 100 में 1 से गुणा करते 100 आ जाता, 2100 मतलब 2100, और 2100 जोड़ देते तो 12100 आ जाता, कहीं ना कहीं वही आया था ना। तो अब कुछ लोगों के मन में सवाल होगा कि सर ये 2 1 3 3 1 है क्या, याद करने को तो भैया याद कर लेंगे, बड़ा आसान सा चीज है, लेकिन है क्या। अगर किसी के मन में ये सवाल आ रहा कि ये है क्या, तो इसके पीछे का ना थोड़ा सा हम आपको लॉजिक बता दें, ये क्या है और कहां से आया है। देखिए पहले हम 2 साल का केस हम आपको समझाते हैं, फिर 3 साल का केस समझाते हैं, आपको ना आसानी से सब कुछ समझ में आ जाना है। देखिए 10,000 रुपए लगाए थे तो इतना कह सकते हैं ना कि जी मिनिमम 1000 रुपए तो हमें दोनों साल मिलेगा ही मिलेगा, मिनिमम 1000 रुपए हमें दोनों साल मिलेगा। हम लिख देते हैं यहां पे, ये फर्स्ट ईयर की बात है और ये जो है ना ये सेकेंड ईयर की बात है, मतलब कि दोनों साल 1000 रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन दूसरे साल जो है ना वो 1000 से थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। कितना ज्यादा मिलेगा, तो ये 1000 रुपए जो जुड़ गया होगा आपके प्रिंसिपल में, तो इस प्रिंसिपल का तो आपको 10% मिल गया, लेकिन ये 1000 जो जुड़ा था इसमें, ये इस 1000 का तो 10% अभी तक आपको नहीं मिला है, तो इस 1000 का भी 10% देना पड़ेगा। कहने का मतलब कि यहां पे आपको ना 100 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। क्या समझ पाए इस चीज को, फिर से सुनिए, हम कह रहे हैं इस 10,000 रुपए पे 1000 तो पहले साल मिलना ही मिलना है, दूसरे साल भी 1000 मिलना ही मिलना है मिनिमम, लेकिन दूसरे साल कितना एक्स्ट्रा मिलेगा, तो आप कहेंगे जी पहले साल के समाप्ति पे ये 1000 उसमें एड हुआ होगा, तो दूसरे साल के स्टार्टिंग में हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो 10,000 प्लस 1000 हो गया होगा, तो
तो इस 10,000 पे तो भैया 10% दे दिए, वो 1,000 हो गया। अब इस 1,000 पे भी तो 10% आपको देना पड़ेगा, तभी तो 100 एक्स्ट्रा मिलेगा। तो यहां से हमें यह समझ में आया कि एक्चुअल में जो 1,000 था, ये 1,000 आपको दो बार मिला, इसका मतलब कि जी 2,000 रुपए हो गया। और ये जो 100 था वो एक बार मिला, तो आप कह सकते हैं कि 100 हुआ। इसलिए हमने बताया कि 2 साल का सवाल हो, आप 2x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा रहा सवाल, अगर 3 साल का हो तो क्या करें? अब 3 साल में आपको क्या करना है वो भी देख लीजिए, ठीक है। अगर 3 साल का सवाल हो तो पहले हम लगा दें फर्स्ट ईयर, फिर लगा दिए सेकेंड ईयर, और फिर लगा दिए भैया थर्ड ईयर ना। तो आपको पता है कि 1,000 तो आपको हर साल मिलेगा ही मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता, 1,000 तीनों साल मिलेगा। लेकिन पहले साल जो 1,000 बढ़ा था उस पे भी तो 100 रुपए आने वाले हर साल में मिलेगा। आप कहेंगे जी मिलेगा। अच्छा दूसरे साल जो 1,000 बढ़ा था उसके बदले में तीसरे साल भी तो 100 रुपए मिलेगा। अच्छा यहां पे 100 बढ़ा था तो इसके बदले में आप कहेंगे 10%, मतलब यहां पे 10 रुपए मिल जाएगा। क्या इतनी सी बात सबके समझ में आ गई? अब आप देखिए 1,000 रुपए, आप कहेंगे जी कि 1,000 रुपए जो है ना वो 3 बार मिल गया। अच्छा 100 रुपए कितनी बार मिला? ये भी 3 बार मिला। और 10 रुपए कितनी बार मिला? एक मिला। इसलिए हमने आपको बोला था कि 3 साल के सवाल में आप 3-3 x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है भैया? कोई दिक्कत किसी को समझने में होनी नहीं चाहिए, एक्चुअल में बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। अगर ये इस चीज को समझने में दिक्कत है तो आप 1-2 बार इसको रिपीट करिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी समझ में आता है तो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, हम आपको जो 2-1 बताएं 3-3-1 बताएं, बस आप इसको किसी भी तरीके से याद कर लीजिए। याद नहीं होता है तो अभी भरपूर क्वेश्चन हम लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप ही सब याद हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इस चीज को समझने में किसी के मन में? ठीक है, देखिए कहीं से किसी भी तरह का अगर आपको डाउट होता है तो आपको हम खुली छूट दे रखे हैं कि आप ना कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कर दीजिए कि सर ये पॉइंट नहीं समझ में आया था, हम आपको क्लियर करेंगे। लेकिन आप पूछेंगे तब, आप नहीं पूछेंगे तो भैया पता ही नहीं चलेगा कि आपको कहीं पे कुछ दिक्कत आ रहा, पूछना पड़ेगा। अभी तक तो कोई भैया पूछे नहीं, इतना सारा चैप्टर निकल गया, इतने सारे क्लास निकल गए, लेकिन आज तक कोई पूछा नहीं कुछ, तो पूछिए, पूछने से भाई प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का एक मेथड हुआ, हम आपको एक मेथड और दे दें, ठीक है। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा चैप्टर है कि यहां पे ना समय बहुत खराब होता है कैलकुलेशन की वजह से, तो एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं जो 20 25 या 30 सेकेंड में हो ही जाते हैं, और कुछ सवाल होते हैं जो आपको ना परेशान करेगा, आपका समय खराब करेगा। तो वैसे क्वेश्चन के लिए भी आपको पहले से प्रिपेयर रहना है, अगर समय बचाना है तो आपको अपने कैलकुलेशन पे काम करना पड़ेगा, कैलकुलेशन को फास्ट रखना पड़ेगा। और कैलकुलेशन कैसे फास्ट होगा? तो टेबल याद रख के होगा, अगर टेबल नहीं याद है तो भैया कैलकुलेशन आप भूल जाइए। अब एग्जाम में ना आप बैठ के 16x8 और 17x6 ये नहीं कर सकते एग्जाम में बैठ के, आपको याद होना चाहिए कि 16x8 और 17x6 कितना होता है, ये याद होना चाहिए, नहीं होगा तो फिर काम नहीं बनेगा, ठीक है। देखिए फिर से देखिए एक दूसरा मेथड, देखिए एक दूसरा मेथड हम आपको बता दें। प्रिंसिपल हमने दिया था 10,000 रुपए, रेट हमने दिया था जी 10%, और टाइम हमने दिया था 3 साल, ठीक है। ठीक है, तो आप करिए क्या कि सिर्फ और सिर्फ इस रेट पे फोकस करिए, सिर्फ इस रेट पे। क्या 10% को जो लोग परसेंटेज पढ़ चुके हैं उनको पता है कि 10% को 1/10 कहा जा सकता है? सबको पता है ये चीज, ठीक है ना। अब हम फिर से यही बात कहेंगे कि जो परसेंटेज नहीं देखे हैं फिर से देखिए, परसेंटेज किए बिना अगर ये सब लगाएंगे तो फिर आपको समझ में आएगा नहीं। तो 10% का मतलब क्या हो गया जी? 10% का मतलब हो गया 1/10, और 1/10 हम आपको ना बढ़ने और घटने के केस में क्या होता है ये भी हम आपको बताए थे। कंपाउंड इंटरेस्ट में बताइए कि आपका प्रिंसिपल घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। इसका मतलब कि 10% के हिसाब से बढ़ाना है आपको, और 1/10 को अगर बढ़ाना है तो क्या आप 10 का 11 कह सकते कि नहीं कह सकते? आप कहेंगे जी हम 10 का 11 कह सकते हैं। अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो तीनों साल 10-10% है, इसका मतलब आप 3 बार दे दीजिए जी 10 का 11 एंड 10 का 11। ओवरऑल आपको दिखेगा 10 × 10 × 10 × 10 कितना हो जाएगा जी? 1,000 रुपए। 1,000 का कितना हो जाएगा? इधर भी लगा दीजिए, आप कहेंगे जी एक
11 का क्यूब कितना होता है? 1331। जब 1000 रुपए हमारा प्रिंसिपल था तो 1331 का अमाउंट था, जब 1000 प्रिंसिपल था तो 1331 अमाउंट था, इसका मतलब अगर 10,000 होता तो कितना होता? आपको भी पता है, क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे। खैर ऐसे भी किसी को समझ में आ जाएगा, 1 0 ज्यादा, इधर भी 1 0 ज्यादा, ठीक है। आप ये मेथड भी लगा सकते हैं। अब इस मेथड का बेनिफिट एक ये है कि किसी क्वेश्चन में सपोज कर लीजिए अमाउंट दिया होता और प्रिंसिपल निकालना होता, तो अमाउंट दिया होता प्रिंसिपल निकालना होता तो यहां तक तो आपका प्रोसेस सेम टू सेम होता। अगर प्रिंसिपल दिया है तो प्रिंसिपल के नीचे प्रिंसिपल डालिए, अमाउंट खाली छोड़ दीजिए, अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट दिया है, अमाउंट के नीचे अमाउंट दीजिए, प्रिंसिपल अपने आप आ जाएगा। समझ में आई ये बात? तो दोनों मेथड में से आपको जो मेथड पसंद है उन मेथड्स को रखिए, जो बेकार लग रहा है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन सोल्व करिए। अच्छा, एक एक पॉइंट हम आपको और बता दें इसी क्वेश्चन में। अब किसी स्टूडेंट का डाउट होगा कि जी 2.5 साल होता, मतलब कि 2 साल 6 महीने होता तो क्या करते? तो घबराइए नहीं, हम क्या कह रहे हैं कि 2 साल 6 महीने मतलब कि 2.5 साल में हुआ क्या है कि 2 कंप्लीट ईयर हैं, 2 कंप्लीट ईयर हैं, 2 साल पूरा हुआ है। तो 2 साल पूरा होने का मतलब कि 10 से 11, 10 से 11 दो बार तो हो ही गया है, दो बार 10 से 11 हो ही गया है, लेकिन तीसरी बार क्या हुआ है कि साल कंप्लीट नहीं हुआ है, आधे में ही हम निकाल लिए हैं। तो अगर हम पूरे साल का रेट 10% दे रहे हैं तो 6 महीने का रेट कितना देंगे? 5% देंगे। अच्छा, इस 5% को क्या 1/20 कहा जा सकता? और 1/20 को क्या आप 20 का 21 कह सकते कि नहीं कह सकते? उसके आगे फिर से वही प्रोसेस लगा दीजिए, इन तीनों को मल्टीप्लाई, इन तीनों को मल्टीप्लाई, कहानी खत्म। ठीक है क्या? कोई दिक्कत किसी को समझने में हो तो बताइए, नहीं तो आपके सामने एक और रास्ता है, एक और रास्ता, जबकि यही रास्ता है लेकिन लिखने का बस तरीका बदल जाएगा। 10,000 रुपए 10% बढ़ा पहले साल, मतलब 110% हो गया, दूसरे साल भी बढ़ा मतलब 110% हो गया, तीसरे साल भी बढ़ा मतलब फिर से 110% हो गया। काट छाट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर सवाल होता क्या होता? सवाल होता 2.5 साल का तो 2 साल तो 10-10% हम बढ़ा दिए, तीसरे साल 6 महीना रहा है तो 10% देंगे नहीं, कितना देंगे? 5% देंगे। और 5% देने का मतलब क्या? 105/100 हो जाएगा। क्या ये भी समझ में आया? अब आप ऐसे भी लगा सकते हैं। तो आपके सामने एक्चुअली में निकालने के कई सारे रास्ते हैं, आपको हम क्या 2-3 रास्ते तो दिखा ही दिए, आपको जो पसंद आए वो करिए, लेकिन जरूरी ये है कि करिए, आप अपने हिसाब से अपना मेथड चुन लीजिए, जिस भी मेथड में आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हो उसी मेथड से लगा डालिए। धीरे धीरे, जरूरी ये है कि धीरे धीरे आप क्या करें कि कुछ सवाल प्रैक्टिस कर लें, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे चीजें आपके लिए आसान होती जाएंगी ना। चलिए तो शुरू करते हैं आज का। हम पहला क्वेश्चन हम आपके सामने रखने, जल्दी से लीजिए भैया, पहला क्वेश्चन आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर का पहला क्वेश्चन, घबराइएगा बिल्कुल मत, कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर के जो सवाल होते हैं ना वो बड़े बेसिक लेवल के सवाल होते हैं। देखिए एग्जाम में जो होता है ना, एग्जामिनर आपके सामने क्या होता है ना कि क्या करता है कि अगर सवाल टफ होगा तो कैलकुलेशन उसका आसान होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगर सवाल टफ होगा तो कैलकुलेशन आसान होगा, अगर सवाल आसान है तो कैलकुलेशन पक्का टफ होगा। वहां पे सवाल भी टफ हो जाए और कैलकुलेशन भी टफ हो जाए इसका चांस बहुत कम रहता है। तो ध्यान रखिएगा, सवाल जो होंगे आपके पास एग्जाम में आसान ही होंगे और कहीं ना कहीं कैलकुलेशन होगा जो आपको परेशान करेगा। हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में शुरू से ये बात बता रहे हैं कि कैलकुलेशन में आप फंसेंगे, कैलकुलेशन पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। बात समझ में आई? एक मिनट, ठीक है, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा चाहे जैसे करिए। लीजिए ये सवाल करिए, क्या बोल रहा? अ सम ऑफ 8000 इज इन्वेस्टेड फॉर 3 इयर्स, अ सम ऑफ 8000 इज इन्वेस्टेड फॉर 3 इयर्स एट द रेट ऑफ 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द इंटरेस्ट। अब कैलकुलेशन में भी आपको एक बात पता है कि वो मेथड जो हम आपको बताए थे ना, 5% का मतलब 1/20 कर दीजिए और 1/20 का मतलब 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, तो वहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मुश्किल होना है।
या आप ऐसे भी लगाएंगे कि 8000 इंटू 105 अपॉन 100 इंटू 105 अपॉन 100 इंटू 105 अपॉन 100, तो यहां भी थोड़ा सा कैलकुलेशन मुश्किल होना है। लेकिन आप उस मेथड से करेंगे ना 21331, तो वहां पे कंपेरिजनली क्या होगा ना कि कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान रहेगा। तो आप क्या करिए, वही मेथड को कोशिश करिए कि इसी मेथड से लगाएं। आप सबसे पहले 8000 का 5% निकाल लीजिए। आपको पता है कि 5% 10% 800 होगा, मतलब 5% 400 होना है। क्या इसके लिए पेन पेपर थोड़ी चाहिए आपको। अब वापस से क्या करेंगे कि 400 का हम 5% निकालेंगे। अच्छा 10% इसका 40 होगा, तो 5% क्या हो जाएगा जी, 20 हो जाएगा। अब वापस से 20 का 5% निकाल लीजिए। आपको पता है 10% दो मतलब 5% एक, मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे 3 से, यहाँ पे भी 3 से, और यहाँ पे 1। ये हो गया जी 1200, ये हो गया 60, और ये हो गया 1। आप इसको जोड़ देंगे तो आपको पता चलेगा जी 1261 रुपए, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्या ये बात समझ में आई। अब इस मेथड से लगाएंगे ना तो आप बड़े बड़े गुणा करने से आप बच जाएंगे, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि आप किसी एक मेथड को पकड़े रहें और सारे सवाल लगभग उसी मेथड से लगाएं। आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन ना मेथड चेंज करेंगे तो फिर परेशान होंगे, ठीक है ना। मतलब एक टाइप का जो क्वेश्चन हो कोशिश करिए कि उसी मेथड से लगा लें। अगर क्वेश्चन चेंज होता है, मान लीजिए 3 साल 6 महीने हो जाए, 3 साल 3 महीने हो जाए, या अलग अलग साल के लिए रेट अलग अलग हो जाए, तब उस केस में आप मेथड बदलिए, क्योंकि इस मेथड से फिर लगेगा भी नहीं। लेकिन जो सिंपल साधारण क्वेश्चन दिख रहा है कि प्रिंसिपल दिया हो, समय सीधा सीधा दिया हो, 2 साल 3 साल, उस समय कोशिश करिए कि हम यही मेथड लगा के सोल्व कर दें, ठीक है भैया। हाँ 1261, ठीक है। चलिए अगला सवाल, किसी को दिक्कत हो इसमें तो देख लीजिए इसको। बारी बारी से क्या किए हम, 8000 का 5% निकाले, जो आया वापस से उसका 5% निकाले, जो आया वापस से उसका 5% निकाले, 331 से मल्टीप्लाई कर दिए। और क्यों किए ये बात आपको भी पता है। लीजिए फिर अगला कुछ सवाल करके बताइए। दो साल का ये सवाल है, 12500 रुपए हम लगाए हैं, 12500 रुपए लगाए हैं 8% के हिसाब से, 8% निकालिए। देखिए 12500 का 8% निकालेंगे, आपको पता है कि 00 कट जाएगा और 125 × 8 कितना हो जाएगा, आप कह सकते हैं जी कि 1000 हो जाएगा, ठीक है क्या। अब क्या करना है आपको, 1000 का 8% निकालना है। कोई भी बच्चा कह सकता है 00 कट के कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। यहां पे मल्टीप्लाई होगा 2 से, यहां पे मल्टीप्लाई होगा 1 से, कितना बन जाएगा ये वाला 2000 और ये वाला 80, इसका मतलब कि 2080। अच्छा 2080 तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा, क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि आपसे ना अमाउंट पूछा गया है। तो ये जो आया है एक्चुअल में ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट आया है। तो 12500 का प्रिंसिपल और साथ में 2080 रुपए का इंटरेस्ट, 12000 और 2 17000, तो क्या इस सॉरी 12000 और 2 14580, क्या इसका आंसर हो सकता है क्या। ठीक है भैया, कोई दिक्कत किसी को समझने में, ध्यान दीजिएगा। ₹14580, ठीक है। अब कितना आसानी से कैलकुलेशन हो रहा है आप भी देख पा रहे होंगे। अब वो मेथड आप देखिए फॉर्मूला भी लगाएंगे तो कहीं ना कहीं की मेहनत आपको ना बहुत ज्यादा पड़ जाना है। 12500 रुपए इंटू 1 + R/100 मतलब 8/100 टू दी पावर 2, तो यहां से क्या बन जाएगा 12500 गुड़े, आप कह सकते हैं ना जी कि 108/100 और वापस से 108/100। अब ये कैलकुलेशन जो है ना, हम ये नहीं कह रहे कि इम्पॉसिबल है, लेकिन इसके कंपेयर में तो ये टफ जरूर है, ठीक है, जरूर टफ है वो। और ये भी कहीं बाहर से थोड़ी आया है, जो भी हम आपको बताए थे ना 108/100 वही तो वही है। तो यहां से आप कैलकुलेशन अगर करना चाहते हैं तो करके देखिएगा, आप इस मेथड से एक बार लगाइएगा और इस मेथड से एक बार लगाइएगा, आप देखिएगा खुद में कि समय किस में ज्यादा लग रहा है। आंसर दोनों में वही आएगा, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि समय किस में ज्यादा लगा, जिसमें ज्यादा लगा वो मेथड हम नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो देखिए एक और सवाल लीजिए, थोड़ा सा इसमें परेशान होइए इसमें। देखिए जो बच्चे परसेंटेज नहीं पढ़े होंगे ऐसे सवाल में ना आप पक्का परेशान होंगे।
अगर आपको सवाल थोड़ा सा स्पीड में लगाना है, तेजी में लगाना है, तो ऐसे सवाल के साथ आपको ना, आपको पहले ना इसको डील करना आना चाहिए। कैसे इसके साथ आपको खेलना है पहले ये पता होना चाहिए। क्या कह रहा है? सम ऑफ रुपीज 4320 इज इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ 16.2/3% पर एनम। ठीक है भैया, आगे क्या कह रहा है? फाइंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड। आपसे इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। कोई भी बच्चा इसको देख के, अभी तक तो कई लोग कर भी दिए होंगे कि जी एक 1/6 होता है इसका वैल्यू। 1/6 क्यों होता है? फिर से हम आपको कहेंगे कि आप जाइए परसेंटेज का पहला क्लास देखिए, 1/6 हो गया। तो हम कह रहे हैं कि 4320 का आपको 16.2/3% निकालना था। तो आपको पता है, या तो हम ये लिखें या ये लिखें, बात तो एक ही है। तो हम इसके जगह पे ना वो लिखते हैं, हम इसको मिटा देते हैं। लीजिए, इसको हम मिटा दिए। अब हम क्या लिखेंगे इसके जगह पे? 1/6 लिखेंगे। अब इसको आप सोल्व करिए, कितना आएगा? 6 से काट दीजिए, 6 से 6 7 42, 6 2 12, क्या 720 आ जाएगा। वापस से आपको क्या करना है? 720 का 1/6 निकालना है। 12 6 72 होता है जी, कोई भी कह सकता है 1/20, सॉरी 120। 120 का 1/6 निकाल दीजिए, आप कहेंगे जी कि यहां से 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को समझने में? अब आगे क्या करना है जी? आपको आगे ये करना है, 3 3 एंड 1, 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना बन जाएगा जी, 2160। ये बन जाएगा 360 और ये बन जाएगा 20। जोड़ दीजिए इसको, 0 0 0 0 0 2 6 8 और 6 14, 1 2 ऑप्शन में है। अच्छा, इतना ज्यादा तो खैर होगा नहीं, यही होगा, 0 2 6 8 6 14 के 4 बचा, 1 3 1 4 और 1 5 2 का, तो कितना आ गया? 2540, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो जो सवाल आपको फ्रैक्शन में दिखे आप उसको भी लगा दिए। ठीक है, तो फ्रैक्शन से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बाकी ये मेथड भी आप लगा सकते हैं। क्या 1/6 का मतलब क्या होगा? कि 6 लगाओ 7 पाओ, 6 लगाओ 7 पाओ, फिर से 6 लगाओ 7 बार, 3 बार ना, 6 से 7, मतलब कि 216 से हो गया 7 का क्यूब कितना जी? 343। 216 से 343 हुआ, तो आप खुद बताइए कि 432 से कितना होगा। आप ये कर दीजिए, यहां पे आपका अमाउंट आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, और जो भी अमाउंट आएगा उसमें से आप माइनस कर दीजिए प्रिंसिपल को, क्या आ जाएगा फिर आपका इंटरेस्ट आ जाएगा जो कि आपसे पूछा गया था। ठीक है भाई, ठीक है, सबको समझ में आ रहा। तो अगला सवाल हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए अगला सवाल। देखिए, एक ही तरह के कई सारे सवाल आपके पास आ गए, इससे होगा क्या कि आप भी थोड़े से फैमिलियर हो जाएंगे चीजों से और सीख भी जाएंगे। लीजिए, ये फ्रैक्शन वाला दूसरा सवाल है, सेम प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है, और आपके पास इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया है वो फ्रैक्शन में दिया है। तो क्या करेंगे? इसका जो वैल्यू होता है 1/8 होता है, ये बात सबको पता है। क्या होता है? 1/8। तो हम क्या करेंगे, 15360 जो दिख रहा है ना, इसका डायरेक्ट 1/8 करेंगे। देखिए तो क्या आता है, क्या आएगा? 8 एकम 8 7 और 3, 8 9 72, 8 2 16 और 0, यही हो जाएगा, 1920 का 1/8 निकालिए जी, 24 8 192 होता है, मतलब कि ये 240 हो जाएगा। अच्छा, 240 का 1/8 करेंगे तो कोई भी कह सकता जी 8 3 24, इसका मतलब 30 होगा। इसको 3 से गुणा करिए, 19 3 57 और 20 3 60 ना, इसको 3 से गुणा करेंगे, 24 3 72 जी 720, इसको 1 से गुणा करेंगे, ये 30 का 30 ही रहेगा ना। अच्छा, क्वेश्चन में बस एक चेंजेज था, अमाउंट आपसे इस बार पूछा गया है, इंटरेस्ट नहीं पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जोड़िए इसको, 0 3 2 5 और 6 11 की 1 बचा 1 7 1 8 और 7 15 के 5 बचा 1 5 और 1 6। ठीक है, 15360 रुपए ये आपका प्रिंसिपल था, अभी निकला 6510 आपका इंटरेस्ट निकल गया। अमाउंट चाहिए आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा जी? 21870 कहीं पे दिख रहा है क्या? देखिए, सेकंड ऑप्शन दिख रहा, 21870 रुपए। ठीक है, देख लीजिए इसको, सॉल्यूशन आपके सामने है, एक बार इसको देख लें आप। ठीक है, सवाल सेम,
सॉल्यूशन भी सेम। तो आपको हम एक फ्रैक्शन वाला भी दिखा दिए, एक नॉर्मल भी दिखा दिए, आप इसको लगा लेंगे, कर लेंगे ना। चलिए ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट क्या, पूरा ही डिफरेंट है ये। अब जो 21331 वाला मेथड आपको बता रहे थे ना, उस मेथड से ये नहीं लगेगा। हम आपको पहले भी बताए थे कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि साल वाइज चेंज होता जाएगा तो फिर नहीं लगेगा। एक मिनट ध्यान देंगे आप सभी। हम आपको क्या कह रहे थे कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा अलग अलग साल का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा तो फिर उस मेथड से लगेगा नहीं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को कि हम आपको जो दो मेथड बताए हैं वो दोनों मेथड सफिशियंट है आपके किसी भी सवाल के लिए। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपके पास ना सवाल अगर सिंपल सा सवाल हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आसान दिया हो और साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट आसान हो और साथ में क्या हो, एक मिनट, हाँ, समय भी पूरा पूरा साल में दिया हो तो आप क्या करिए, वही मेथड लगाइए जो अभी तक कर रहे थे। अगर समय फ्रैक्शन में आ जाए, कहने का मतलब कि 2 साल 6 महीने 2 साल 3 महीने आ जाए, या फिर अलग अलग समय के लिए अलग अलग रेट आ जाए, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप दूसरा वाला जो मेथड हम आपको बताए थे आप कोशिश करिएगा वो मेथड लगाएं। ठीक है, देखिए यहां पे क्या कह रहा है, अ सम ऑफ रुपीज 2500 इज इन्वेस्टेड फॉर 2 इयर्स, द कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज 10% एंड द सेकंड ईयर इज 20%, फाइंड द अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स। अब इस सवाल में दिक्कत क्या है कि आप जोर के आसानी से निकाल सकते हैं, जोर के बहुत सारे स्टूडेंट निकाल भी पाएंगे कि जी 3600 आंसर होगा, आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको पता है कि भैया फॉर्मूला फ्लॉप हो जाना है, ध्यान रखिएगा। आप यहां पे क्या करेंगे, जी 2500 रुपए है, पहले साल 10% बढ़ा मतलब कि 110% हो गया, दूसरे साल 20% बढ़ा मतलब 120% हो गया, बस यही आपको करना है, इससे ज्यादा आपको दिमागी नहीं लगाना है। ठीक है, 00 से 00 कट जाएगा और ये 2 जीरो आपस में इन 2 जीरो को काट देगा। हाँ, 36 20% 10% 2500। अच्छा हाँ 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 ठीक, 3600 हम कह रहे थे जो गलत कह रहे थे, ठीक है भैया 3300। हाँ देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 × 25 कितना होगा जी 300, 300 × 11 कितना हो जाएगा 3300। ठीक है, 3600 के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, 3300 आंसर होगा इसका। ठीक है, इंपॉर्टेंट यह है कि फॉर्मूला समझ जाइए, कैलकुलेशन मिस्टेक भैया किसी से भी हो सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, चले आगे, चलिए आगे देखिए, लीजिए इस सवाल को लगा जाइए, मजा आ जाना है इस बार। अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग साल के लिए। अब यह सवाल आपको देखने में जितना जहर लग रहा है ना, एक्चुअल में बहुत आसान सवाल है ये, बहुत ही आसान सवाल है, हम ये कह सकते हैं कि पिछले सवाल से भी आसान सवाल है। देखिए कैसे, आपको ना सबसे पहले पहचानना होगा इसकी जो वैल्यू होती है 1/8, ठीक है, ये भाई साहब जो होते हैं 1/6, और ये भाई साहब कितना होते हैं, तो आप कहेंगे जी 1/7। आपको ना इन तीनों वैल्यूज को पहले समझना होगा ना। 7200 लगाए हैं, ठीक, 7200 लगाए, पहले साल 1/8, तो क्या इसको 9/8 कर सकते हैं बढ़ने के लिए? अच्छा, 1/7 को क्या कर सकते हैं जी आप, 8/7 कह सकते हैं, 1/6 को क्या कह सकते हैं आप जी, 7/6 कह सकते हैं, 8/8 कैंसिल हो जाएगा, 7/7 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, 6 से जब इसको आप काटेंगे तो 12×6 = 72 और 12 × 9 कितना होगा जी, 108/20। अब बताइए आप, अच्छा 108/20 क्या पूछ रहा जी, इंटरेस्ट पूछ रहा, अच्छा इंटरेस्ट पूछ रहा, तो इसमें से 7200 निकाल दीजिए ना, ये जो आया है ना ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आया है, ये क्या आया है, अमाउंट आया है, माइनस कर दीजिए 3600 रुपए जी, 3600 रुपए देख लीजिए इसको। ठीक है, अब इसके अलावे किसी भी दूसरे मेथड से इससे आसानी से निकल सकता है तो बताइएगा, उस मेथड्स को हम भी सीखना चाहेंगे। खैर, इससे आसानी से हमें नहीं लगता कि कोई दूसरा मेथड होगा जो इतना आसान होगा, इतने आसानी से आपको ना सॉल्यूशन करा दे।
ठीक है ठीक है। तो देखिए अगला सवाल लीजिए, जो हम आपको कह रहे थे आ गया वापस से, ये वाला बताइए, इसका आंसर बताइए आप। देखिए अब यहां पे क्या है ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सीधा सीधा है, लेकिन समय फ्रैक्शन में है। 8,000 रुपए 1 साल 6 महीने के लिए 10% के रेट से, ठीक है। देखिए 8,000 रुपए लगाए हैं, 1 साल तो पूरा कंप्लीट हुआ है, तो भैया 10% पूरा मिलेगा ही मिलेगा, मतलब 110% हो जाएगा। लेकिन दूसरे साल 6 ही महीना रहा है, ध्यान रखिएगा 6 महीना रहा है, तो 5% मिलेगा, और 5% मिलने का मतलब कि जी 105/100 हो जाएगा ना, क्या ये बात समझ में आई। पूरा पूरा साल रहा था तो इतने में हम दिए 10% और 6 महीने में दिए हम 5%, तो अपने मर्जी से 10% और 5% 15% मत कर दीजिएगा जी, ये सिंपल इंटरेस्ट तक ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ये नहीं चलता है, ध्यान रखिएगा इसको। 1 2 3 4, 1 2 3 4 लीजिए, सब खत्म हो गया। अब क्या करिए, 8 गुणे 105, आप कह सकते हैं जी 840 और गुणे क्या 11, मल्टीप्लाई करिए 11 0 0, 11 चौगा 44 के 4 बचा 4, 11 8 88 और 4 92। क्या पूछ रहा है, अमाउंट, अमाउंट ही तो पूछ रहा है जी, ठीक है 9240। सवाल में ना आप एक बार ध्यान दे लीजिएगा कि अमाउंट पूछ रहा है कि इंटरेस्ट पूछ रहा है, ध्यान दे लीजिएगा। अब ये सवाल भी आपको मुश्किल लग रहा था, अब इस सवाल को यकीन मानिए कि आप फॉर्मूला से सोल्व नहीं कर पाएंगे, आप फॉर्मूला से लगाने जाएंगे परेशान हो जाएंगे, ठीक है। हम आपको कह रहे हैं कि 2 के पावर 2 निकालना आसान है, 2 के पावर 3 भी निकालना आसान है, लेकिन 2 के पावर 2.5 निकाल पाएंगे क्या, दिमाग खराब हो जाना है इसमें, तो क्यों वैसे मेथड में हम पढ़ने जाए जहां पे दिमाग खराब हो, क्या इससे सिंपल कुछ हो सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं हो सकता इससे सिंपल, ठीक है। और ये इसलिए भी सिंपल है क्योंकि आप ऑलरेडी परसेंटेज में भी देखे हैं, प्रॉफिट लॉस में भी देखे हैं, तो ऑलरेडी जो चीजों को देखते आ रहे हैं, तो कोशिश करिए कि उन चीजों से भली भांति आप परिचित हैं, तो उन्हीं चीजों के साथ आगे बढ़े, ठीक है। ठीक है तो देखिए अगला सवाल लीजिए, अगला सवाल लगा दीजिए, ये भी सवाल सेम टू सेम है, ठीक है। इतने सवाल के बाद कम से कम आप इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना तो हमें लगता है सीख ही चुके हैं। खैर आपका काम रहा कि इन सवाल को रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, विदाउट सॉल्यूशन देखे रिपीट करेंगे, सॉल्यूशन पहले मत देखिएगा, पहले रिपीट कर लीजिएगा। लीजिए भैया 7500 रुपए, ठीक है 2 साल 6 महीने, ये 2 साल 6 महीने का मतलब होगा कि 2 साल तो पूरा पूरा कंप्लीट हुआ, तो इन 2 साल में ना 20-20% मिलेगा, लेकिन ये 6 महीना आधा पे ही खत्म हो गया है, इसका मतलब कि यहां पे जो होगा वो 10% मिलेगा, समझ लीजिएगा इन चीजों को ना। तो 7500 का 20% बढ़ा दीजिए, मतलब कि 120% कर दीजिए, और कितनी बार करिए जी, 2 बार कर दीजिए, ठीक है। लेकिन तीसरी बार 10% जाएगा, तो तीसरी बार जो होगा वो 110% होगा। अच्छा यहां पे ना एक चीज आप ऐसे भी देख के समझ सकते हैं कि एक बार 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब आंसर जो होगा ना वही होगा जो 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ये दोनों आपसे क्या पूछ रहा है, इंटरेस्ट रिसीव, अच्छा इंटरेस्ट पूछ रहा है, अमाउंट होता तो तुरंत ही आप कर देते जी कि 11 से जो हो रहा है वही होगा, खैर इंटरेस्ट पूछ रहा है तो फिर निकालना ही पड़ेगा जी, निकालिए कितने 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अच्छा 1 0 और कटेगा, लीजिए 1 0 और कट गया, 5 से काटिए 15 बार में, 5 से काटिए 2 बार में, और 2 से काट दीजिए 6 बार में, कितना बन गया जी, 15 गुणे 6 90 गुणे 12 गुणे 11, यही होगा, यही होगा। अब क्या कर सकते हैं हम ये कर सकते हैं 11 नमा 99 कर दीजिए, 12 नमा 108 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 12 नमा 108 पे 0 × 11 मल्टीप्लाई करिए, 11 0 0 11 8 88 के 8 बचा 8, 11 0 0 8 हो गया, और 11 1 11, अच्छा 11,800 जो पहला ऑप्शन दिखाया गया था, लेकिन होगा नहीं क्योंकि इंटरेस्ट पूछा है, तो माइनस करना पड़ेगा जी 7500 को, 7500 को माइनस करेंगे, एक ही ऑप्शन में 8 दिख रहा है ना, 0 में से 0 जाएगा 0 और 8 में से 0 जाएगा 8, एक ही ऑप्शन में 8 दिख रहा है, तो यही होगा आंसर, आप इसको सोल्व कर लेंगे, बाकी पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे छोटे मोटे ट्रिक भी लगा सकते हैं। देखिए आपको पता है कि 0 में से 0 जाएगा तो 0 होगा और 8 में से 0 जाएगा तो 8 ही होगा, तो 10th प्लेस पे मतलब दहाई के जगह पे ना एक ही जगह पे 8 दिख रहा था, इसलिए हम लगा दिए डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2nd, या फिर कह लीजिए ऑप्शन नंबर
बिफोर BHU, ठीक। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, उड़ाइए इसको। थोड़ा सा फ्रैक्शन में आ गया ये। अच्छा क्या हो गया, फ्रैक्शन में आ गया तो क्या कह रहा है कि सम ऑफ 12,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 1 year 6 months एट द रेट ऑफ 15% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। देखिए अमाउंट अमाउंट रिसीव पूछा है ना, तो खैर दो ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया, दो ऑप्शन ऐसे ही छट गया। ठीक है कोई बात नहीं, इसको सोल्व कर दिया जाए। देखिए आप अगर यहाँ पे कुछ थोड़े छोटे मोटे लॉजिक लगाएंगे ना, तो ये देख के भी समझ में आ जाएगा कि भैया तीन ऑप्शन ऐसे ही छट रहा है। कैसे छट रहा है सुनिए ध्यान से, हम क्या कह रहे हैं, 12,000 रुपए 15% 1 साल 6 महीने। 1 साल 6 महीने का मतलब होगा कि 1.5 साल, और 1.5 साल का मतलब होगा कि लगभग लगभग 20-25% के बीच का कुछ मामला है ना, 20-25% के बीच का कुछ मामला है, ये कंफर्म बात है। ठीक है अब हम क्या देखना चाहते हैं कि 12,000 का अगर 25% जोड़ते हैं तो 15,000 के आसपास जा रहा है भाई, 19,000 के आसपास थोड़ी चला जाएगा, समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। बाकी दो ऑप्शन तो ऐसे ही रिजेक्ट हो चुके हैं। ठीक है तो कैसे लगाइए, देखिए 12,000 रुपए, पहला साल 15% पूरा दे दीजिए, 115/100। ठीक है अच्छा दूसरे साल होना क्या है, दूसरे साल के लिए ना आप ध्यान से सुनिए, दूसरे साल क्या होगा, 7.5% होगा। तो 7.5% को आप 107.5/100 लिख सकते हैं। आप कहेंगे जी लिख सकते हैं, लेकिन यहां पे एक काम और हो सकता है, इस डेसिमल को आप हटा सकते हैं 1 जीरो के साथ, क्यों 1 जीरो वहां पे चिपका देंगे तो 1075 हो जाएगा। अब यहाँ पे कैलकुलेशन का आपका अपना रास्ता होना चाहिए, 00 से इन 00 को उड़ा दीजिए। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए भैया, 5 से काटिए इसको 23 बार में, 5 से इसको काटिए 20 बार में, अच्छा 4 से काटिए 3 बार में, 4 से काटिए 5 बार में, और 5 से इसको उड़ा दीजिए कितनी बार में जी, 215, यही होगा 215। ठीक है मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैसे किया जाए मल्टीप्लाई, 3 × 23 × 215, सॉरी 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 215 × 3 करते हैं 645, 645 × 23 कर देते हैं। देखिए 23 × 5 115 के 5 बचा 11, 23 × 4 92 और 11, 103 × 3 बचा 10, 23 × 6 138 और 10 148। क्या बात है जी, ऑप्शन तो मैच ही नहीं किया। अ सम ऑफ 12,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 1 year 6 months एट द रेट ऑफ 15% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड। कहीं पे कुछ 12,000 रुपए है, 12,000 रुपए, ये आंसर सही है जी, ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे, 14,835 इसको आप ठीक कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल, इसको आप देख लीजिएगा ठीक कर लीजिएगा, बाकी आंसर यही आना है। चलिए ये सवाल तो डेसिमल में हो गया जी, ठीक है लगाइए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है ये, लीजिए यहां पे आपसे ना मेहनत करवा दिया गया, खैर कुछ नया सीखना है यहाँ पे, यहां पे आपको कुछ नया सीखना है। इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। दिया है 24% पर एनम,
मतलब एक साल का 24% है, तो हाफ ईयरली आप कह सकते हैं जी कि 12% होगा, और 1 ईयर 6 मंथ्स में कितनी बार कैलकुलेट होगा, आप कहेंगे जी 3 बार कैलकुलेट होगा। तो आप थोड़ी देर के लिए आप क्या करिए ना, इस सवाल को अपने मर्जी से चेंज कर दीजिए, समय 3 साल ले लीजिए और रेट 12% ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वही मेथड आप लगा दीजिए वापस से। कौन सा? ये वाला 15,000 का 12% पहले निकाल लीजिए, कितना आएगा। अब देखिए ये सवाल ना थोड़ा सा डेसिमल में, आपको ऑप्शन भी देख के समझ में आ रहा है कि डेसिमल में जाना है, तो 00 से 00 कट जाएगा, नीचे 100 होगा, तो 12 × 15 कितना हो जाएगा जी, 180 पे 10, यही होगा, यही होगा। ठीक, अब क्या करिए, वापस से 1800 का 12% निकाल लीजिए, आपको पता लग जाएगा जी, 00 से 00 कट जाएगा और 18 × 12 कितना हो जाएगा जी, 216। अच्छा, 216 का वापस से 12% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए तो 12 छक सॉरी 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 12 छक 72 के दो, किसी ऑप्शन में दो नहीं दे रहा है। हाँ, दो तो वैसे भी नहीं आएगा, ठीक है भैया, ठीक है ठीक है ठीक है। 12 छक 72 के दो बचा सात, 12 एकम 12, 7 19 के 9 बचा एक, 12 दूना 24, 24 और 1 25, यही होगा, यही होगा ना, दो डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, ये क्या हो रहा जी, हाँ, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, क्यों लग जाएगा, क्योंकि नीचे 100 था तो 100 से भाग होता तो 2 डिजिट के बाद लग जाता ना। यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए जी, 5400, यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा जी, 648, यहां पे 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, तो ये तो 25.92 ही होगा, लेकिन किसी ऑप्शन में ये दिख नहीं रहा जी। हाँ, क्या पूछा है, फाइंड द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पूछा है। अच्छा, इंटरेस्ट पूछा है, तो ऐसे भी यहां पे ना ये ऑप्शन तीनों तो रिजेक्ट ही हो रहे हैं, लेकिन ये ऑप्शन भी नहीं आ रहा जी। तो इस सवाल में भी ऐसा है ना कि ऑप्शन हमें लग रहा है कि गलत है, इस सवाल के भी आप ऑप्शन को चेक कर लेंगे, एक बार देखें जी। आप उसको क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, देखिए ये सही है, आप इसको ना जोड़ के निकाल लीजिएगा, यहाँ भी ऑप्शन में कुछ मिसप्रिंट है, इसको हम करेक्ट करा देंगे। खैर, इस सवाल में आप सीख लीजिए जो आपको सीखना है। सीखना क्या है कि 15,000 रुपए है, ठीक है, 1 साल 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 24% पर इनम, जो कि कह रहा है कि हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है, तो हाफ ईयरली जब कैलकुलेट हो रहा है तो इसको आप आधा कर दीजिए, 12% हो जाएगा, और समय को क्या करेंगे आप देख लेंगे कि 1 साल 6 महीने में एक्चुअल में कितने बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, या फिर कह लेंगे कितने हाफ ईयर होंगे, तो आपको पता है 1 साल 6 महीने में टोटल 3 बार कैलकुलेट होगा और 12% के हिसाब से। तो नॉर्मल आप इस सवाल को आप इस ढंग से समझ सकते हैं कि समय 3 साल, रेट 12% और प्रिंसिपल 15,000। ठीक है, यहां पे ऑप्शन में कुछ मिसमैच है, आपको इसको करेक्ट करा दिया जाएगा, बाकी आप इसको इसी मेथड से लगाएंगे, दूसरा कोई मेथड है नहीं इसका। ठीक है, चलिए, देखिए इस सवाल को देखिए, सेम वही सवाल है ये, देखिए, ओह, सिस्टम फिर से हैंग हो रहा जी, सिस्टम हैंग हो रहा है फिर से, कोई बात नहीं, ये सवाल
कम से कम इस ढंग का कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करा के हम छोड़ते हैं अभी, पहले इसको क्लियर करा दें जल्दी से। कहाँ गया कंपाउंड इंटरेस्ट भैया, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है ना वो जनरली ईयरली दिया जाता है, लेकिन दिया होगा कि जो कैलकुलेशन हो रहा है बाद या तो एनुअली होगा या तो हाफ ईयरली होगा या तो फिर क्वार्टरली होगा, तो वैसे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कैसे हो रहा है। यही सवाल था। देखिए इसको, देखिए अ सम ऑफ 20,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 9 months एट द रेट ऑफ 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द अमाउंट इफ द इंटरेस्ट इज चार्ज क्वार्टरली। यहां पे कह रहा है कि क्वार्टरली चार्ज हो रहा है, क्वार्टरली कहने का मतलब कि 3-3 महीने पे चार्ज हो रहा है। तो हम बताइए कि 20% को अगर क्वार्टरली कैलकुलेट करें तो इसको क्या 5% कह सकते हैं? आप कहेंगे जी कह सकते हैं। और 3 महीने में कितने क्वार्टर होंगे? आप कहेंगे कि जी 3 क्वार्टर होंगे। इसका मतलब कि 3 बार कैलकुलेट होगा। तो सवाल को वैसे ही बना दीजिए फिर से, ये 20,000 और 20,000 का आप देख लीजिए 5%, 20,000 का 5% कितना होगा? आप कहेंगे जी कि 1,000 होगा। क्या होगा कि नहीं? 10% 2,000, 5% 1,000। वापस से आप क्या करिए, 1,000 का 5% निकाल दीजिए, आप कहेंगे जी कि 50 होगा। अब 50 का वापस से 5% निकाल देंगे, आप कहेंगे जी कि 2.5 होगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, ये बन जाएगा जी 3,000। इसमें भी 3 से कर दीजिए, ये हो जाएगा 150। और इसमें 1 से कर दीजिए, ये हो जाएगा 2.5। आप इसको जोड़ेंगे तो क्या कह सकते हैं? 3,152.50 रुपए, ये आपका इंटरेस्ट आ गया। लेकिन पूछा है अमाउंट, अमाउंट ही पूछा है ना, अमाउंट पूछा है। तो 20,000 और प्लस में 3,152.50, तो यहां से आप कह सकते हैं जी कि 23,152.50 रुपए ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा है जी? 23,100। हाँ देखिए ये वाला, ठीक है बात समझ में आ गई। पिछले क्वेश्चन में ऑप्शन गलत था इसलिए थोड़ी बहुत मिस्टेक हो रहा था, बाकी यहां पे आप समझ लीजिए। आपको बस इस क्वेश्चन में हम जो बताना चाहते हैं वो समझिए, इंटरेस्ट जो दिया है ना वो कह रहा है कि क्वार्टरली चार्ज हो रहा है, और यहां पे रेट जो दिया है ठीक है, रेट जो दिया है वो पर एनम दिया है। तो इस रेट को सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्वार्टरली कन्वर्ट करेंगे। जब 20% 1 साल का है, इसका मतलब कि 1 क्वार्टर का 5% होगा। और आप देख लीजिए कि 9 महीने में टोटल कितने क्वार्टर होंगे, आपको बस ये देखना है 9 महीने में कितने क्वार्टर। तो 9 महीने में 3 क्वार्टर, और 20% जब 1 साल का है तो 1 क्वार्टर का 5%। तो इस सवाल को आप अपने से चेंज कर सकते हैं कि समय को 9 महीने के जगह 3 साल मान लीजिए, रेट को 20% के जगह 5% मान लीजिए, और मेथड सेम टू सेम वही लगा डालिए जो अभी तक लगाते आए हैं। ठीक है भैया, अगला सवाल देखिए, थोड़ा सा ये सवाल उल्टा हो गया। अब ये उल्टा हो गया तो आपको कौन सा मेथड लगाना है ये भी हम आपको बता चुके हैं। कौन सा मेथड लगाएंगे इस बार? अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स 10,800 इन 3 years फाइंड द प्रिंसिपल। देखिए इसमें ना आप वो वाला मेथड लगाइए, कौन सा मेथड जो हम आपको बताए थे, 6 का 7 6 का 7 6 का 7, ये वाला मेथड लगाइए, बना सकते हैं। ये मेथड लगाने का मन नहीं है तो आप ये लगा दीजिए कि कुछ प्रिंसिपल था, ये 20-20% बढ़ा, मतलब पहले साल 120%, दूसरे साल भी 120%, अच्छा भैया तीसरे साल भी 120%, और इतना करने के बाद क्या हो गया, इतना करने के बाद 10,800 हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको काट दीजिए, देखिए 2 0 2 0, तीसरा जीरो खत्म, इतना तो खत्म हो गया। अब क्या काटा जाए, देखिए 12 से इसको काटेंगे तो 12 9 108, ये बन गया 900। अच्छा कैसे काटे, अब 2 से 5 बार में, 2 से 6 बार में, 6 से ये कटेगा तो ये बन जाएगा जी 150, बनेगा क्या 150 बन जाएगा। ठीक है तो इसका मतलब कि जो प्रिंसिपल होगा वो 150 गुणे 12
एन डिवाइडेड बाई 5, कुछ गलत हो गया क्या जी? ओन इंटरेस्ट बिकम्स 10,800। अच्छा गलत तो होगा जी। एक बार रुक जाइए, कहीं पे कुछ मिस्टेक है इसको, एक मिनट रुक जाइए। प्रिंसिपल 120 अपॉन 100 भैया, जब गलत हो जाए ना तो साफ करके एक बार फिर से कर लीजिए, कोई इसमें बुराई नहीं है। कितना हो गया जी? 10,800। अब देखेंगे, 2 जीरो इन 2 जीरो को काट देगा, 1 जीरो इन 1 जीरो को काट देगा। सही, अभी सही सलामत है ये वाला 100। अच्छा, 2 से काटते हैं 6 बार में, 2 से काटते हैं 5 बार में, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा 12 से इसको काट देते हैं, 12 नवा 108, ये बन गया 900। अच्छा 6 से ये कट जाएगा कितनी बार में? आप कहेंगे जी 150 बार में। तो जो प्रिंसिपल होगा वो 150 गुड़े 100 गुड़े 5 एंड डिवाइडेड बाई 12, यही होगा जी, यही होगा। नीचे में 12 आ जाएगा ना, ये 12 बस बचा हुआ है वो आ गया। अब काटिए इसको, 3 से काटिए 4 बार में, 3 से इसको काट दीजिए 50 बार में, और 4 से इसको काट दीजिए 25 बार में, यही हो गया, यही हो गया। 5 गुणे 5 25, 25 गुणे 25 625, ठीक है भैया। लीजिए थोड़ा सा कैलकुलेशन कराया लेकिन आंसर तो आया, ठीक है। या फिर ये मेथड आप लगा लीजिए, 20% को आप क्या कह सकते हैं जी? 1/5 कह सकते हैं। और 1/5 का मतलब क्या होगा? 5 का 6, फिर से 5 का 6, और फिर से 5 का 6। ओवरऑल 125 से कितना हो जाएगा? 216 मल्टीप्लाई करना है ना। जब 125 से 216 हुआ तो कितने से ये हुआ होगा? ये हुआ होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 800 इंटू 125 एंड डिवाइडेड बाई 216। ये दिख रहा है ना जी? ये दिख रहा है क्या? कितनी बार में दिख रहा है? 5 बार में। देखिए 2 5 10, 16 5 80 50, तो यहां से भी 6250 आप कह सकते हैं। लीजिए दी, दोनों पार्ट में अलग अलग मेथड हम आपको दिखा दिए। अगला क्वेश्चन उम्मीद करते हैं सेम होगा, लेकिन ये हम आपके लिए छोड़ेंगे, इसको आप लगाएंगे, ये आपका होमवर्क रहा। ये होमवर्क रहा, ठीक है, ठीक है भाई। तो हम आपको बता दें कि आज कंपाउंड इंटरेस्ट में बस बेसिक सवाल लगाए हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल हम लगाए नहीं है, लेकिन जो भी बेसिक सवाल लगाए हैं उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बिल्कुल भी नया होगा, नया कॉन्सेप्ट होगा, और बिल्कुल भी नए तरीके से आपको ना यहाँ पे कैलकुलेशन लगा होगा कि कर सकते हैं। तो इन मेथड्स को आप सीख लीजिएगा, जो भी मेथड आपको बताए हैं और जो भी 12-13 क्वेश्चन हम लगा चुके हैं या फिर होमवर्क दिए हैं, आप उनको फिर से लगा लेंगे। जिस भी सवाल में दिक्कत होगा आप कमेंट करेंगे, हम आपको फिर से कराएंगे, लेकिन आपकी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि आप खुद से इन सारे सवाल को एक बार रिवाइज कर लें। जब रिवाइज करेंगे खुद से तभी मजा आएगा, अदरवाइज फिर आपका आना और पढ़ना बेकार है, आपको ना खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो चलिए आज के क्लास को, आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले दिन इस सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा बेसिक से आगे निकलेंगे। कहने का मतलब कि जो नॉर्मल बेसिक लेवल के प्रिंसिपल या फिर अमाउंट इंटरेस्ट ये सब निकालना सीख रहे हैं, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के थोड़े से इधर उधर वाले भी सवाल लगाए जाएंगे, ठीक है भैया। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सब पढ़ते रहिए, मैथ्स लगाते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और चैनल ज्वाइन करते रहिए। चलिए फिर, बाय बाय सभी को।